ममो, आज आलू के कटलेट्स बना लेती हूँ। मीना को तो मैंने किसी काम को हाथ नहीं लगाने दिया। ममो, अरे अरे लाइन है, उठा दो। उठाती हूँ ना, चलो जाओ यहाँ से। आप इतनी घबराई हुई क्यों है? तुम क्यों हर बात में टांग अड़ाती हो? जाओ यहाँ से। अरे क्या हो गया? मैंने क्या कह दिया? क्या मैं कोई चोर हूँ, डाकू हूँ जो अपने घर में चोरी करूंगी और घबरा जाऊंगी? कैसी बातें करती है तू, जा यहाँ से। अच्छा ये तो बता दें कि वो कटलेट्स अचार डाल ले मेरा, तू अचार डाल ले। अल्लाह, क्या मुसीबत है भाई, काटने को क्यों दौड़ रही है? ये बताएं कि कहीं जा रही हैं आप? करीमन। अच्छा जी, नहीं पूछते हम कुछ भी आपसे, बस ये बता दीजिए कि वो कटलेट्स। यूं कर, तू यहाँ ठहर, पंखा चला, बैग ले जा, मैं जाती हूँ। नहीं मामू, रुके, आप यहीं रहें, हम ही चले जाते हैं। मैं हूं। अच्छा मैं तो डर गई। लाई है साथ में तो दीजिए ना। कितने हैं मम्मू? बस भी, अब सड़क पे तो मत खोलो ना। हाँ ठीक है, लेकिन कितने हैं मम्मू? जितने थे सब के सब ले आई हूँ। अच्छा क्या? बस टीपू, अब तू निकाल अपने आप को इन सब चीजों से। मेरी औकलौता बेटा है, मैं तुझे इस तरह जलील होते हुए नहीं दे सकती, खुदा के वास्ते। ठीक ठीक है मामा, मैं जाकर ये बैंक के पैसे वापस करता हूँ, ठीक है? एंड आई विल कॉल यू मामा, ठीक है? दीपू पा, दीपू क्या हो गया? हाथ जल गया आपका? लाइन मुझे दे, मैं ले आती हूँ। नहीं 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 यार, रहने दो, मैं कर लूंगा बेटा। बेटा भी कह रहे हैं और अपना काम भी नहीं करने दे रहे मुझे, देना मैं ले आऊंगी। अरे तकलीफ होगी तुम्हें? बिल्कुल भी नहीं होगी, ट्रस्ट मी। ये मैं वो सोनिया के लिए। जानती हूँ, वो भी तो इस घर का हिस्सा है। ये तुम मानती हो, बाकी नहीं। चले, मेहमान होने की हैसियत से मेरा कुछ तो फर्ज बनता है ना। यू कैन जस्ट आस्क मी वन। And cut. And that is a wrap. Well done. Well done. Mubarak ho aap sabko. Good job. Good job. Shabash. Wow, wow, wow. Aye, mujhe to yakeen nahi ho raha ki meri film mukammal ho gayi hai. Hit hai. Super hit. Kya kaam ki aisa scene hai? 100% Sonia jaane lagi hai. तो मैंने कुछ नहीं किया, सब क्रेडिट ससी को दोगे तुम? क्यों नहीं किया, तुम्हारी वजह से हिट है, सुपर हिट। वो क्या कहते हैं? इस तरह हिट नहीं होनी, प्रमोशन करनी पड़े। हर शहर की बिलबोर्ड खरीद लो और हर चैनल पे हमारा ट्रेलर इतनी बार चलाओ कि बच्चे बच्चे की जबान पे हमारा गाना होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बस एक बात कहूं, मेरी फिल्म से
सस्ती मशहूर हो जाएगी। मैं हर शहर के हर चौक में ये बड़े बड़े पोस्टर लगवाऊंगा। खाली पोस्टर से काम नहीं चलेगा, हमें एक लॉन्च करना पड़ेगा, मीडिया लॉन्च, एक शानदार सा, और ये शानदार सा में एक धमाकेदार लॉन्च। ऐसे ही होगा, वो क्या कहते हैं। कासिम। अस्सलाम वालेकुम खालिद जी। माफ कर दो मुझे, माफी मांग ले। खालूम, किस चीज की माफी? बहुत सख्तियां की हैं मैंने तुम पर एहसान जताया है हमेशा, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि तुम मेरी औलाद से बढ़कर निकलोगे। जब मेरी अपनी औलाद मेरे मुंह पर थूक रही है तो तुमने और तुम्हारी बीवी ने इज्जत दी मुझे। इसके लायक नहीं हूं मैं, इस काबिल नहीं हूं, इसलिए हमें नहीं। अरे हमें शर्मिंदा मत करें, सब जो कुछ भी है आपकी वजह से, हमसे ऐसे माफी मत मांगे। अच्छी लड़की है, ख्याल रखना इसका, खुश रखना इसे। सोनिया, सोनिया जहां, सोनिया मेरी जान को कहो, क्या हालत बना ली तुमने यार। मुझे देखो कैसी चमक धमक रही हूं, स्टार जो बन गई हूं। ये देखो ये सारे मैगजीन्स, ये स्टाइल, फैशन, मैग, ग्लैमर, इन सब पे मेरी तस्वीरें छपी हैं। यार स्टार बनने का ये अपना एक मजा होता है ना, नशा सा होता है, सुरूर सा होता है, नहीं तुम्हें तो पता ही होगा। ओ माय पुअर बेबी, योर पुअर सोल, यू नो व्हाट, आई रियली फील सॉरी फॉर यू। बहुत मिस करती होगी ना ये सब कुछ, ये फैशन, लाइफस्टाइल, फैंस, ग्लैमर, ये चमक धमक। लेकिन देखो किस्मत भी क्या क्या खेल खेलती है यार, तुम क्या से क्या बन गई और मैं क्या से क्या हो गई, देख लो। साबित कर दिया मैंने अपने आप को, मैं प्रूफ कर दिया, मानती हो कि नहीं मानती हो, मैं तुम बन गई, तुम खुद तुम ही ना रही। क्या हुआ, बोलती क्यों नहीं, बोलो ना यार। अरे देखिए आपकी महबूबा कुछ बोल ही नहीं रही आज, सिट्टी गुम कर दी मैंने इसकी, कहिए ना कुछ तो बोले। अच्छा चलो यार अपनी किसी फिल्म का डायलॉग ही बोल दो, कुछ तो बोलो यार, जैसे स्टेज पे सब तुम्हारे लिए तालियां बजाते थे, बोलो ना यार, कमाल करती हो, मुझसे शर्माओगी क्या, बोल दे यार, बोलो ना। ओ दु 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 दु
से क्या हो गया है? पागल वागल तो नहीं हो गई? पिछले दो दिनों से यही हालत है इसकी। दी सोनिया जा, अब कभी भूल नहीं पाएगी। मुमताज खयाम, यही? जी यही है। आपको हमारे साथ थाने चलना होगा, आपके खिलाफ वारंट है हमारे पास। कैसे वारंट? क्रेडिट कार्ड फ्रॉड का केस है। आइए। क्या हो गया? इनके खिलाफ क्रेडिट कार्ड फ्रॉड का केस है, इन्हें हम थाने ले जाने आए हैं। आइए मोहतरमा। एक सेकेंड, आप जानते नहीं मैं कौन? देखिए मैडम, हम जानते हैं कि आप कौन हैं, लेकिन हमारे पास इनके खिलाफ वारंट है। बेहतर होगा कि आप कानूनी कार्रवाई में मुदाखलत ना करें। बैंक फ्रॉड का केस है, हमें इनको थाने ले जाना ही होगा। आइए मैडम। मम्मो सेव मी। मम्मो आप मेरे लिए आई हैं ना? हाँ मम्मो। हाँ बीबी आगे चले। मम्मो कहाँ जा रही है? मम्मो मैं मर जाऊंगा यार यहाँ पर। पर क्यों ले गए? क्या किया मम्मो ने? टीपू, ये टीपू का किया धरा है सारा। टीपू का? जी वो मम्मो ने किसी को बताया नहीं। दो तीन दिन पहले भी कोई बैंक वाले आए थे। टीपू मियाँ ने ना उनसे कोई कार्ड लिया था 15 लाख का। पैसे वैसे कोई नहीं दिए उन्होंने। क्रेडिट कार्ड? हाँ शायद यही। ओह गॉड, मतलब टीपू ने वो क्रेडिट कार्ड मम्मो के नाम पे लिया था। अब क्या करें, जब तक वो पैसे नहीं लेंगे मम्मो को नहीं छोड़ेंगे। कमर से हम पैसे कहाँ से अरेंज करेंगे? मुमताज और शशि का जेवर है ना, वही काम आएगा इस रात। करीमन कह रही है कि तुम जा रही हो? हाँ नहीं घर, मगर घर तो ये है तुम्हारा। ये आमना का घर है। हराम खोर, कटिया, जलील। सस्सी बिटिया वो क्या हो गया? वो जेवर वो अलमारी में नहीं है। ये आप क्या कह रही हैं? आपने ठीक से अलमारी में देखा या नहीं? जी मैंने एक एक चीज देखी, कपड़े झटक झटक के देखा, लेकिन जेवर कहीं भी नहीं है। वो अरे मामो, ये आपने क्या कर दिया? क्या कर दिया? अब्बा कुछ करें यार। अब्बा कुछ करें यार। देखे इन्होंने मेरी क्या हालत बना दिया यहाँ पे। अब्बा मैंने कुछ भी नहीं किया, वो सब कुछ किया था उस अनवर का है। अब्बा वो मम्मो के जेवर लेके भाग रहा था और वो पिस्तौल भी उसकी थी।
मेरी नहीं थी, मेरी नहीं थी पता, मेरी पिस्तौल नहीं थी, बस वो झगड़ा हो गया और वो पिस्तौल चल गई, यू नो, और मैं फंस गया। अब्बा आराम करो, कटिया जलील, क्यों किया तुमने ऐसा, क्यों किया तुमने ऐसा? छोड़े सामने, किस बात की सजा दी है तुम्हें बता? उस औरत को जो उस घर में रह के कभी अपने हक की बात नहीं करती, सारे बाजार तूने उसको जलील कर दिया। वो नहीं करे खालू, छोड़ दे खालू, कैसे छोड़ दूँ इसे मैं, कैसे छोड़ दूँ? कुछ नहीं, क्या कसर छोड़ी थी मैंने और क्या कसर छोड़ी थी उसने, क्यों ये जुर्म किया तूने उसके साथ, क्यों इतनी बड़ी सजा दी? तेरी जैसे औलाद को पैदा होते ही मर जाना चाहिए, जा मर जा, चल। अब्बा, अब्बा कहाँ जा रहे हैं? अब्बा, अब्बा, you are not my dad, okay? You can't leave me here. यार, it's so hot. 15 लाख? तुम अभी स्टार बनी नहीं बनी, तुम्हारी जरूरतें कितनी बढ़ गई हैं? वजी, इस वक्त मेरी मम्मू बहुत मुश्किल में हैं, मुझे उनका कर्जा उतारना है वजी। चलो, वो तो ठीक है, लेकिन 15 लाख इस तरह कह रही हो जैसे 15 रुपए हो। तो मैं अपनी फिल्म के अपने काम के पैसे मांग रही हूँ ना, प्रोड्यूसर से कह के मुझे जल्दी दिलवा दो। वो तो मैं भी तुम्हें दे दूं, मगर मगर क्या? प्रमोशन पे इतने पैसे लग रहे हैं, बजट में से 15 लाख रुपए निकालना सही नहीं होगा। वजी, इस वक्त मेरी जरूरत पूरी कर दो, इस फिल्म से अगर पैसे पूरे नहीं बनते तो अगली फिल्म में एडजस्ट कर देना, मैं दे दूंगी बाद में। चलो ठीक है, 15 लाख रुपए तुम्हें मिल जाएंगे, तुम बस यहां साइन कर दो। ये लो। ये क्या? कुछ नहीं, हम बस एक पब्लिसिटी स्टंट करेंगे लॉन्च से पहले, और तुम साइन कर दो कि तुम्हें कोई एतराज नहीं, हम जो कहेंगे वो तुम करोगे। ये किस किस्म की डील है? ऐसी डील जो तुम्हारी मां को बचा सकती है। सोच क्या रही हो? कासिमिया, अरे भला हो आपका और आमना बिटिया का, जो अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करके मम्मू को ले आए, हालत तो देखिए इनकी। मम्मू, प्लीज दिल पर मत ले। मम्मू, तेरा छोटा मत करे, कोई बात नहीं। अच्छा चलो, बस करो अपना, तुम्हारे रोने से ये सब परेशान हो रहे हैं। अभी पैसों का बंदोबस्त भी करना है, ताकि बैंक वालों का मुंह तो बंद हो। हेलो, वो हम बंदोबस्त हो गया पैसों का, ये लोग कासिम 15 लाख का चेक सुबह कैश निकलवा के जमा करवा देना, पकड़ो। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। तुम हमें अपने पैसों का मोहताज समझती हो? हमारे लड़की, मैं जेल में गल सर जाऊंगी, लेकिन तुम्हारी कमाई में से एक पाई को भी हाथ नहीं लगाऊंगी। तुम भी टीपू की बहन, टीपू की बहन हो तुम, मेरी कितनी औलाद, मेरी कितनी औलाद, मेरी कितनी औलाद। Thank you.
हाँ बेटा, क्या बात है? वो आपसे एक बात करनी थी मामू, अगर आप बुरा ना माने तो बोलो। झिझकने की जरूरत नहीं बेटा, बताओ। पहले आप वादा करें, अगर आप दिल से मुझे अपनी बेटी मानती हैं तो मेरी किसी भी बात का बुरा नहीं मानेंगी। कोई परेशानी की बात है क्या? नहीं मम्मू, लेकिन आप वादा करें ना कि आप इनकार भी नहीं करेंगी। वादा? ये रख ले मामू। ये क्या है? चेक है। और आपने वादा किया ना आप इनकार नहीं करेंगे। नहीं नहीं बेटा, मैं ये नहीं रख सकती। पहले ही तुम्हारा बहुत एहसान है जो तुमने हमें ये घर लौटा दिया। अब नहीं, वापस नहीं किया है मामू। कभी मेरा था ही नहीं, इस किस्मत से मेरी झोली में आ गया था और इसका फल मुझे कासिम की शक्ल में मिल गया। Trust me, Mamu, I'm not trying to help you. मैं तो बस एक बहू की हैसियत से अपना फर्ज पूरा करना चाहती हूँ। प्लीज रख ले। क्या बात है भाई, मेरी मौजूदगी से इस घर का हर फर्द चौंक क्यों जाता है? क्या मैं कोई भूत बन गई? नहीं, ऐसी बात नहीं है। इस घड़ी में जब मेरी औलाद थी, मेरी आजमाइश, तुम और कासिम तो रहमत के फरिश्ते ही बन गए। सब ठीक हो जाएगा मामा, अल्लाह ताला सब ठीक कर देंगे। बस हम ये चेक बैंक वालों के हवाले कर देंगे और उसके बाद जो रह जाएगा वो धीरे धीरे लौटा देंगे उन्हें। मैं ये पैसे नहीं ले सकती बेटा, मैं तुम पे और कासिम पे और बोझ नहीं बनना चाहती। माएं कभी भी अपनी बेटियों पे बोझ नहीं बन सकती हैं मम्मू। कासिम तो आपका बेटा है ना, वो भूलना भी चाहेगा तो मुझे कभी भूल नहीं। क्यों भाई, मुझे पता था कि तुम मेरी मदद करोगे। अब्बास से तो मुझे कोई उम्मीद थी ही नहीं, उन्होंने तो हमेशा मेरे साथ ऐसे ही किया। ये क्या है भाई? टिकट और कुछ पैसे हैं आपके वापस जाने के लिए। तो ये तो आज रात की फ्लाइट है, मैं तो घर जा रहा हूं ना। नहीं टीपू, घर नहीं जा सकते। क्या?
अरे यार तुम कौन हो मुझे मेरे घर से रोकने वाले? हम कौन है? हाँ तुम कौन हो? इस घर के मालिक हैं। भाई तो तुम मेरी हवेली पे कब्जा कर सकते हो, इट्स फाइन, नो हार्ड फीलिंग्स रियली, लेकिन यार उस घर में मेरे माँ बाप। माँ बाप? माँ बाप? मैं सुना भी आपने क्या बात बोली है। हाँ माँ बाप, उस घर में आपका कोई नहीं रहता, सारे रिश्ते खत्म। ये फैसला करने वाले तुम कौन हो? हम नहीं है टीपू। हाँ तो फिर कौन है? मम्मो का। मम्मो ने किया फैसला? जी हाँ, जिन रिश्तों की कदर उनके जीते जी ने की, को खोने का मजा चखो। अब करीमन कह रही है कि तुम जा रही हो? हाँ अपने घर, मगर घर तो ये है तुम्हारा। नहीं ये आमना का घर है। क्या उसने जताया कि ये घर उसके नाम है? जताने के लिए कहने की जरूरत नहीं होती, वो तो यहाँ हर जगह है, हर एक के दिल में है वो। ये जगह उसने खुद बनाई? आपकी तो खिदमत कभी आपके काम ना आई। फिर आमना ने ऐसा क्या मौजा किया कि हर कोई इसका गर्विदा हो गया? पहले इस घर के लोगों को मोहब्बत की कदर करनी नहीं आती थी, अब सबक सीख लिया। लेकिन कुछ ने तो शायद अभी भी नहीं सीखा। जैसे मैं? मेरा पैसा तो आपके लिए हराम का था, फिर उसका पैसा आपके लिए हलाल कैसे हो गया? वो भी तो उसी कमाई का था। तुम आमना से जल रही हो, लॉन्च सर पर है, मैं चाहता हूँ खयाम और सोनिया को तुम लॉन्च पर लेकर आओ। क्या? उठो जाओ, निकलो यहाँ से, सब कुछ बर्बाद कर दिया तुमने। छोड़ो इसे। क्या हो गया? ससी प्लीज मत जाओ, मेरी बात तो सुनो। ससी लिसन टू मी, टीपू के जाने के बाद मामू बहुत अपसेट है यार। तुम हो ना उनका ख्याल रखने के लिए? मैं? मेरा मतलब वो नहीं था, तुम्हारे होते हुए मुझे मम्मो की परेशानी नहीं होती, तुम ख्याल रख लोगे उनका? ससी तुम जैसे मम्मो को खुश रख सकती हो, मैं नहीं रख सकती। इसका मतलब है तुम मेरे घर वालों को समझी नहीं अभी तक। लुक आई नो तुम वो पैसों वाली बात को लेकर मम्मो से... अच्छा ही है, अच्छा ही हो गया, मेरे हराम के पैसे इस हलाल घर में नहीं लगेंगे, नापाक हो जाता ना। इसीलिए मैं अपने सारे हराम के काम, हराम के पैसे, सारे करतूत अपने साथ लेके जा रही हूँ। अच्छा हो गया। ससी प्लीज यार गुस्से में आके ये कदम मत उठाओ प्लीज। एक मशवरा दूँ तुझे, इस घर के लोग ना बड़े नाकदर हैं, अभी थोड़े जज्बाती हुए हैं, लेकिन जैसे ही अपनी आई पे आएंगे ना तो गई काम से। इसलिए मेरी जान अपनी थोड़ी सी एनर्जी अपने लिए बचा के रख, बुरे वक्त का पता नहीं ना होता। ससी प्लीज सॉरी। ठीक है ससी। मुझे रोको नहीं, नहीं। क्यों अब रुकोगी नहीं?
यार तू हार बड़ी जल्दी मान लेता है। और आपकी गलतफहमी पता है क्या? आपको मेरे अलावा यहां कोई नहीं रहता, सिर्फ नौकर चाकर हैं। तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं, सब काम खुद ब खुद हो जाएंगे। अरे वहां क्यों रुकी? आओ ना। वैसे मैं ज्यादा दिन तो नहीं रुकूंगी, मेरे फ्लैट का कुछ किया? ना रुकना, अभी तो आओ। ये मेरा कमरा है, तुम चाहो तो तुम भी यहां रह सकती हो। तुम कहां रहोगे? मैं भी यही रहूंगा तुम्हारे साथ। और कहां? नहीं, मुझे होटल ही छोड़ दो ना। डर क्यों गई हो? मजाक कर रहा हूं। वैसे मुझे पता नहीं था कि तुम इतनी मशरूकी हो। जिस तरह तुम मेरे पीछे पड़ी थी, मुझे लगा जैसे जैसे कुछ नहीं। आओ तुम्हारा कमरा दिखा दो तुम्हें। उठो उठो उठो, निकलो निकलो मेरे घर से, उठो अभी निकलो, फौरन निकलो मेरे घर से, सामान बांधो अपना, निकलो यहां से, निकलो। मैं तुम फिल्म जाओ ससी, खबरदार जो तुमने अपनी गंदी जबान से मेरी बेटी का नाम नहीं लिया तो उठो जाओ, निकलो यहाँ से, सब कुछ बर्बाद कर दिया तुमने। छोड़ो इसे, क्या हो गया? अरे पागल हो गई हो? चलो, क्या हो गया? तूने कहा यहाँ से? क्या हम करो इसके ऊपर? इसकी हालत देखी है तुमने? इसमें रेप का? मेरे में क्यों नहीं कोई रेप का था? मुझे भी तो रेप का है ना, क्योंकि मैं इसके मेरे गुनाहों की सजा इसे मत दो, मर जाएगी ये। तो मर जाए, ये मरती क्यों नहीं है? इसको मरना चाहिए ना, बर्बाद कर दिया इसने मेरे घर को, ये मरती क्यों रही है? मेरी बेटी में पता नहीं क्या जुनून हो गया है, क्या क्या इसने जादू कर लिया उस पे, वो घर छोड़ के चली गई है। इसने जो किया सो किया, तुम क्या कर रही हो? क्यों जाने दिया उसे अकेले? करीम उनको साथ भेज देती, कैसे रहेगी वो अकेली? हाँ, वाह वाह, बड़ी एहसास से जिम्मेदारी हो रहा है। वाह, कितने मिसाली बाप है ना, कितनी फिक्र है आपको अपनी बेटी की, है ना? ये आपस के झगड़ों का वक्त नहीं है, उसकी जिद के सामने हम उसे अकेला नहीं छोड़ सकते। मुझे अपनी ससी का दिल साफ करना है,
लेकिन उससे पहले मुझे अपना घर साफ करना है इस गम के कूड़े को निकाल के। अच्छा तो चलो, क्या हो गया? क्या करो तुम? मामा चलिए, चलो चलो। देखो क्या करती है तुम्हारी? ये तुम्हें मजलूम लग रही है ना? याद रखना, मजलूम ये नहीं है, ये जालिम है। चल ले जाओ इसे, पागल हो गई है ये, माँ खराब हो गया इसका जाहिल। अरे बस बस कुछ नहीं होता, सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, मैं सोचती हूँ। सोचोगी नहीं, तुम करोगी, करना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट साइन किया ना तुमने, याद है? मैं कमरे में चलती हूँ। हाँ जाओ, मैं भी आता हूँ। बजी मजाक कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता तुम मुझसे इतना डरती हो। ससी दरवाजा खोलो। क्या बात है वजी? दरवाजा खोलो ना, बताता हूं। मैं सो रही हूं। अरे सुबह तक इंतजार नहीं कर सकता ना, वो लॉन्च का एक आइडिया है, वो तुमसे बात करनी, खोलो ना। कल बात करते हैं ना? नहीं ना, तुम दरवाजा खोलो, बात करनी है। मैं नहीं खोल रही, कल बात करेंगे वजी। क्या मतलब बात नहीं करनी? नखरे क्यों दिखा रही हो तुम? हैं? ये ज्यादा शरीर ज्यादा बनने की कोशिश ना करो,
इतनी शरीर ज्यादा तो घर भाग के क्यों आई थी? अरे जल्दी खोलो ना, खोलो। वजी तुम नशे में हो, मैं नहीं खोलूंगी। ससी मैं कह रहा हूं दरवाजा खोलो वरना मैं तोड़ दूंगा, खोलो खोलो दरवाजा ससी।